नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल का 8वां मुकाबला खेले जाने वाला है। अगर आप भी इस वाले मैच की मेगा ग्रैंड लीग बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन सारे प्लेयर में से ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो कि इस मैच के अंदर फ्लॉप जाने वाला है और कौन से प्लेयर ऐसे होंगे जो कि सबसे अच्छी परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा कि इस पिच के ऊपर कौन से बॉलर इंपोर्टेंट होने वाला है और सबसे बेस्ट सी और वीसी का खिलाड़ी कौन सा होगा। सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, इस बार मैं 2000 लाइक का टारगेट मांग रहा हूँ आपसे, तो जाइए फटाफट से लाइक का बटन दबाइए। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है और कौन सा खिलाड़ी इस मैच के अंदर फ्लॉप जाने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जोश बटलर देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, एक चीज और बता दूं, ये दोनों में काफी पावरफुल टीम में है, तो आपको उसी तरीके से टीम के अंदर खिलाड़ी को लेना है और उसी तरीके से ड्रॉप आउट करना है। अब यहाँ पे जो मेन खिलाड़ी कौन से होंगे वो थोड़ा सा हम समझते हैं। और जोश बटलर का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले मुकाबले के अंदर भी काफी जबरदस्त देखने को मिला था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जोश बटलर जो है वो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और इनके पुराने रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है। ये जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो इनका हाफ सेंचुरी मारने का टारगेट होता है हर बार, और ये अपना टारगेट भी पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जोश बटलर का जो परफॉर्मेंस है इस वाले मैच के अंदर भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। आप अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर जोश बटलर को रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे संजू सैमसन देखने को मिल जाता है। पिछले मुकाबले के अंदर संजू सैमसन भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म की थी और इस बार भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन अब की बार ये थोड़े से रिस्की प्लेयर भी होंगे क्योंकि इनके फ्लॉप होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बॉलिंग वाले सेक्शन में पंजाब की टीम की तरफ से भी काफी अच्छे बॉलर यहाँ पर आ चुके हैं, तो शायद इस बार संजू सैमसन फ्लॉप जा सकते हैं। तो आप अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर तो जरूर रखना, लेकिन सीवीसी आप बिल्कुल भी इनको क्रिएट मत कर लेना। बाकी नीचे होगे तो यहाँ पर राजपक्षा देखने को मिल जाता है और ये इस बार बिल्कुल फ्लॉप जाने वाला है। आप अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर लेने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार इनका परफॉर्म अच्छा आया था। बाकी उससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे इनके फ्लॉप होने के भी चांसेस है। आप अपनी ड्रीम 11 की टीम से इनको ड्रॉप आउट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जय शर्मा देखने को मिल जाता है। इनका भी परफॉर्मेंस इस वाले मैच के अंदर कुछ खास नहीं आएगा। आप अपनी जीएल टीम के अंदर इनको भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। और बाकी नीचे होगे तो पी सिंह देखने को मिल जाएंगे। पी सिंह भी इस वाले मैच के अंदर फ्लॉप जाएंगे। आप इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लेना, पी सिंह भी इस वाले मैच के अंदर फ्लॉप जाने वाला है। आप अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर इनको भी ड्रॉप आउट करके ही चलना। बाकी नीचे होगे तो कुणाल सिंह देखने को मिल जाएंगे, तो ये तो वैसे भी इस वाले मैच के अंदर नहीं खेलने वाले हैं। और यहां से विकेट कीपर वाले सेक्शन से कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले यहां पे जोश बटलर आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी है। इसके बाद यहां पे संजू सैमसन इस वाले मैच के अंदर फ्लॉप जाने वाला है। यहां पे विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपके लिए एक ही खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा, वो है यहां पे जोश बटलर। आप जोश बटलर को अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर रख के चल सकते हो। इसके बाद यहां पे बात करते हैं बैटिंग वाले सेक्शन की। बैटिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे शिखर धवन देखने को मिल जाएंगे। पिछली बार भी इनका परफॉर्म आया था और इस बार भी आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं आ पाएगा, थोड़ा बहुत ही आएगा इनका परफॉर्मेंस। आप अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर इनको लेना चाहते हो तो आप रखिए, लेकिन सीवीसी इनको बिल्कुल भी क्रिएट मत करना, क्योंकि ज्यादा परफॉर्म ये नहीं कर पाएंगे, जल्दी आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेना, आपके हिसाब से रखो, लेकिन सीवीसी मत बनाना। इसके बाद यहाँ पे हेटमायर देखने को मिल जाएंगे। इनका भी परफॉर्मेंस इस वाले मैच के अंदर आएगा ही आएगा, ज्यादा भी नहीं आएगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक आएगा। आप अपनी टीम के अंदर इनको भी ले सकते हो, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखना कि बैटिंग वाले सेक्शन से आपको ज्यादा खिलाड़ी नहीं लेके चलना है। बैटिंग वाले सेक्शन में आपको कम खिलाड़ी लेके चलना है। ज्यादा खिलाड़ी कहां से लेना है और कौन से सेक्शन से इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। बैटिंग वाले सेक्शन से मैंने दो खिलाड़ी को बता दिया है। इन दोनों खिलाड़ी को आप अपनी जीएल टीम के अंदर ट्राई कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पे जयसवाल देखने को मिल जाएंगे और इनके भी फ्लॉप होने के चांसेस है इस बार, तो आप इनको भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं भी इनको ड्रॉप आउट करके चलता हूँ, आप भी चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो आपके लिए एक इंपोर्टेंट प्लेयर और होगा, वो है यहाँ पे जे रूट। जे रूट का भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है भाई। आप अपनी जीएल टीम के अंदर रिस्क लेके लेना चाहते हो तो आपके लिए जे रूट का भी ऑप्शन काफी जबरदस्त होने वाला है। आप अपनी टीम के अंदर जरूर से लेना। इसके बाद यहाँ पे एस खान देखने को मिल जाएंगे। इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएंगे। इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आएगा। और बाकी नीचे से जो खिलाड़ी है ये इस बार नहीं खेलेंगे, तो हम इनको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे बैटिंग वाले सेक्शन से मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सा खिलाड़ी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। आप अपनी जीएल टीम के अंदर इन खिलाड़ियों में से सिलेक्ट कर सकते हो। और इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच के लिए इंपोर्टेंट है और कौन सा बेस्ट सीवीसी होगा। बाकी मेरी जो फाइनल प्रेडिक्शन वाली वीडियो है वो भी
मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उस वाले वीडियो को भी आप जाके जरूर देख लेना। तो फिलहाल हम यहाँ पे यही समझते हैं कि इस वाले पिच के लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट है और कौन सा बॉलर सबसे बेस्ट है और बेस्ट सीवीसी कौन सा है, ये सारी चीजें इस वाले वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन में सबसे पहले लिविंगस्टन देखने को मिल जाएंगे। इनका भी परफॉर्मेंस इस वाले मैच के अंदर काफी जबरदस्त आने वाला है। पिछले मैच के अंदर ये भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी ड्रीम इलेवन की टीम के अंदर, इनको जरूर रख के चलना, क्योंकि ये स्पिनर है और इस वाले पिच के ऊपर स्पिनर का भी काफी अच्छा योगदान होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे लिविंगस्टन भी होने वाला है, तो आप अपनी ड्रीम इलेवन की टीम के अंदर इनको जरूर से जरूर लेके चलना। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे शाम करण देखने को मिल जाएंगे, और पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इनका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त जाने वाला है, और भाई ऐसा हुआ भी था। तो यहाँ पे अभी की बार भी इनका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त जाने वाला है। इनकी परफॉर्म हर बार अच्छी ही आती है, बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं, बॉलिंग भी जबरदस्त करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे ही होंगे। तो भाई शाम करण को अपनी टीम के अंदर जरूर से लेना। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे होल्डर देखने को मिल जाएंगे, और इस वाले पिच के लिए होल्डर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, आप अपनी जीएल टीम के अंदर इनको भी रख सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे अश्विन देखने को मिल जाएंगे। अश्विन का भी परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले के अंदर ज्यादा नहीं आया था, और मैंने आपको बोला भी था कि अश्विन को आप ड्रॉप आउट करके भी चल सकते हो, और इस वाले मैच की बात की जाए तो अश्विन का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप इनको ड्रॉप आउट करके भी चल सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे पराग देखने को मिल जाएंगे, इनको भी चाहो तो आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, क्योंकि ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर हम भी इनको ड्रॉप आउट करेंगे, आप भी चाहो तो ड्रॉप आउट कर सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो सिकंदर रजा देखने को मिल जाएंगे, और इनका भी परफॉर्मेंस पिछले वाले मुकाबले के अंदर काफी अच्छा देखने को मिला था, और इस वाले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाला पिच वैसे ही स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करेगा, और सिकंदर रजा तो वैसे ही स्पिनर है, तो भाई आपके लिए तो इंपॉर्टेंट साबित होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए सिकंदर रजा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो आप अपनी जीएल टीम के अंदर इनको भी रख सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर आर धवन देखने को मिल जाएंगे, इनको आप चाहो तो ड्रॉप आउट कर सकते हो, मैं भी यहाँ पे ड्रॉप आउट करने वाला हूँ। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे फरेरा देखने को मिल जाएंगे, फरेरा अगर खेलते हैं तो भाई आपके लिए बेस्ट प्लेयर होंगे। अगर एम शॉट अगर इस मैच के अंदर खेलेंगे तो भाई आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप सीवीसी तक इनको बना सकते हो, और सीवीसी अगर आप बनाओगे तो भाई मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं आप जीएल पक्का विन करोगे। अगर ये खेलेंगे और अगर इनको सीवीसी बनाओगे तो, अगर ये नहीं खेलेंगे तो बात अलग, लेकिन खेलेंगे तो भाई आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है एम शॉट। एम शॉट का रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है भाई, बीबीएल के अंदर धूम मचा दी थी और बीबीएल के अंदर लगातार सीवीसी बनके भी आ रहे थे एम शॉट। तो एम शॉट को आप बिल्कुल भी ना भूले, एम शॉट खेलते हैं तो इनको आप जरूर ट्राई करना, और सीवीसी तक बना सकते हो आप, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है एम शॉट। तो एम शॉट के बारे में बता दिया है, बाकी नीचे से ये दोनों खिलाड़ी इस बार नहीं खेलेंगे तो हम इनको यहां पे छोड़ने वाले हैं। अब यहां पे बात करते हैं बॉलिंग वाले सेक्शन की, क्योंकि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर ही जीएल टीम बनानी है, और ऐसी अगर जीएल टीम बनाओगे और लो परसेंटेज वाले सेक्शन से सीवीसी बनाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जीएल पक्का विन करोगे। अब यहां पे बात करते हैं बॉलिंग वाले सेक्शन की, बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे खगीशो रबाडा देखने को मिल जाएंगे, ये पिछले एक दो मैचों के अंदर नहीं खेले थे, लेकिन अब की बार ये खेल सकते हैं, इनके भी पिछले रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है। अगर ये खेलते हैं तो आप अपनी बॉलिंग वाले सेक्शन में इनको ले सकते हो, जिसका नाम खगीशो रबाडा है, आप इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर ये खेलते हैं तो आप अपनी जीएल टीम के अंदर ले सकते हो, और ये विकेटें भी काफी ज्यादा निकालेंगे। अब यहां पे बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की, बोल्ट का परफॉर्मेंस पिछले मैच के अंदर काफी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन इस बार इनके फ्लॉप होने के चांसेस है, शायद ये इस बार एक भी विकेट ना निकाल पाए, क्योंकि ये वाला पिच पूरा स्पिनर को सपोर्ट करेगा, तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इनको ड्रॉप आउट भी कर सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो यहां पे अर्शदीप सिंह देखने को मिल जाएंगे, इनका भी परफॉर्मेंस इस वाले मैच के अंदर आने ही वाला है, और पिछला मैच भी काफी अच्छा गया था, और ये भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, पिछले रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है, तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो यहां पर आपको युजवेंद्र चहल देखने को मिल जाएंगे, चहल का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा देखने को मिला था, और इस वाले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि युजवेंद्र चहल वो स्पिनर है, और इस पिच के ऊपर पूरा का पूरा टर्न मिलने वाला है स्पिनर को, और इनका परफॉर्मेंस वैसे भी काफी जबरदस्त है और रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है, और ये भी आपके लिए इस वाले मैच के अंदर काफी जबरदस्त होने वाला है, तो आप यूजी चहल को भी अपनी टीम के अंदर रख सकते हो। और आप अगर टोटल तीन टीम बनाते हो तो भाई अलग अलग खिलाड़ी रख सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं खिलाड़ियों को आप अलग अलग तरीके से सेट करके रख सकते हो, और उनमें से सीवीसी भी आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो। और अगर आप केवल एक टीम लगा के ग्रैंडली खेलना चाहते हो तो भाई ये आपके लिए काफी ज्यादा रिस्क वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर एक टीम के साथ में अगर आप आओगे तो यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे जीतने के चांसेस कम हो
जाते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और इस चीज का ध्यान रख के ही टीम को क्रिएट करें। बाकी युजवेंद्र चहल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस बार भी, तो यहाँ पर आप अपनी टीम के अंदर इनको ले सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे जंपा देखने को मिल जाएंगे, ये भी अगर खेलते हैं तो इनको आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि इनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा आने वाला है इस वाले मैच के अंदर, तो आप अपनी जीएल टीम के अंदर इनको भी ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको ज्यादा खिलाड़ी बॉलिंग वाले सेक्शन से इसलिए बता रहा हूं, अगर बाय चांस इन सारे खिलाड़ी में से कोई खिलाड़ी अगर नहीं खेलता तो आपके लिए नीचे से भी ऑप्शन है खिलाड़ियों के, तो इसीलिए मैं आपको सारे खिलाड़ियों के बारे में बता रहा हूं कि कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी मेरी जो फाइनल प्रेडिक्शन वाली वीडियो है वो जल्द ही आने वाली है, तो उस वाली वीडियो को भी पूरा जरूर देख लेना। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है ऊपर से कौन से खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है, तो यहां पर अगर जंपा खेलते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेयर होंगे क्योंकि आपको पता है कि इस बार का मैच पूरा स्पिनर के हाथ में है, तो यहाँ पे इनका भी परफॉर्मेंस आ सकता है। अभी यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे के सेन देखने को मिल जाएंगे, इनका परफॉर्मेंस वैसे भी कुछ खास नहीं है और आप अपनी जेल टीम के अंदर बिल्कुल भी इनको ट्राई मत करना। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे एलिस देखने को मिल जाएंगे, पिछले मुकाबले के अंदर भी ठीक ठाक चले थे लेकिन अब की बार ये भी अच्छी खासी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इनके भी रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं और पिछली अगर बीबीएल की बात की जाए तो बीबीएल के अंदर भी काफी जबरदस्त इन्होंने विकेटें निकाली थी और वहां पे इनका परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त आया था। तो ये बीबीएल और आईपीएल के अंदर चलने वाले खिलाड़ी है, तो आपके लिए एलिस का जो ऑप्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप अपनी जीएल टीम के अंदर इनको रख सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे सिनी देखने को मिल जाएंगे, इनका वैसे भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है और पिछले रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे मोकी देखने को मिल जाएंगे, इनका परफॉर्मेंस भी कुछ ज्यादा खास नहीं आने वाला है इस वाले मैच के अंदर। बाकी नीचे जितने भी खिलाड़ी है ये शायद इस बार नहीं खेलेंगे, जो भी ऊपर ऊपर के खिलाड़ी है इनमें से ही खिलाड़ी खेलने वाले हैं, बाकी ये जितने भी नीचे आपको खिलाड़ी दिख रहे हैं ये इस बार नहीं खेलने वाले हैं। और कौन सा खिलाड़ी इन सारे खिलाड़ियों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इन सारे खिलाड़ियों में से सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है, तो यहां पर ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपको श्याम करण देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आप चाहो तो सीवीसी क्रिएट कर सकते हो और यहां पर यूजी चहल भी रहेंगे, ये दोनों ही खिलाड़ी काफी जबरदस्त होने वाले हैं इस बार, तो यहां पर इन दोनों को भी आप सीवीसी क्रिएट कर सकते हो। और विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपके लिए सीवीसी का ऑप्शन जोस बटलर भी है, तो जोस बटलर को भी आप सीवीसी के अंदर ले सकते हो। तो यहां पर अगर तीन टीम बना रहे हो तो एक टीम के अंदर सीवीसी जोस बटलर को बनाना क्योंकि जोस बटलर का परफॉर्मेंस इस वाले मैच के अंदर भी आने वाला है। बाकी तीन खिलाड़ी मैंने सीवीसी के लिए बताए हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक खिलाड़ी मैंने नीचे से बताया था एम शॉट को, अगर एम शॉट खेलते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीवीसी के लिए। बाकी ये चीज आप ध्यान में जरूर रखना कि एक टीम के साथ आप जीएल बिल्कुल भी मत खेलना, रिस्क ज्यादा हो जाएगी, आप वो टीम भी हार जाओगे। लगभग आप तीन टीम बनाओ, तीनों ही टीम में डिफरेंट खिलाड़ी ले। बाकी इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको खिलाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि कौन सा खिलाड़ी बेस्ट होने वाला है, और ये सारी जानकारी लेने के बाद मुझे उम्मीद है आपसे कि आप एक बेस्ट ग्रैंडली की टीम बना पाओगे। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ 2000 लाइक का टारगेट आपसे मांगा था, पूरा जरूर करवा देना क्योंकि इसके बाद जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो है वो भी आने वाली है, तो वो वाली वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस वाली वीडियो को भी पूरा जरूर देखना। बाकी इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।